हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही आवारा पशुओं की समस्या से आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे से लेकर ग्रामीण व शहरी इलाकों में बेबस पर लाचार घूमते इन पशुओं पर आज तक प्रदेश सरकार के किसी भी नुमाइंदे की नजरें नहीं गई हैं, जिसके चलते आए दिन ये आवारा पशु या तो खुद दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं या फिर दुर्घटना का कारण बनते हैं। वहीं इनकी बेबसी और लाचारी को देखते हुए बिलासपुर के एक समाज सेवी सुनील शर्मा ने एक अनोखी पहल शुरू की है और सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के सींगों पर टैग लगाकर उनकी गुहार प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए टैगिंग अभियान की शुरुआत की है। अपने इस अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए सुनील शर्मा ने बताया कि बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश की पूर्व सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार द्वारा कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई, जिसका नतीजा आवारा पशुओं की संख्या का लगातार बढ़ना है, जिसको देखते हुए उन्होंने बिलासपुर जिला में ये अभियान शुरू किया है और 100 से अधिक आवारा पशुओं को टैग लगाए हैं और आगे भी उनका ये अभियान जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में ठोस कदम न उठाए जाने पर अगले सप्ताह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है, जिसकी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार के होने की बात कही। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर विजयपुर में निशुल्क चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल तथा IBBY चंडीगढ़, मोहाली व बिलासपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चेकअप किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 19वां निशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और विभिन्न रोगों का इलाज निःशुल्क करवाया। इस कैंप में स्त्री रोग, हृदय रोग, शल्य चिकित्सा, बाल रोग, अस्थि रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग व दंत रोगों की जांच की गई। दिल्ली व चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को नशे से दूर रहने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया तथा समय समय पर अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाने की सलाह भी दी, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। वहीं मल्लिका नड्डा ने कहा कि माता जी की याद में हर वर्ष निःशुल्क कैंप लगाया जाता है तथा आज भी युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है, ताकि समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकें। गोविंद सागर में पर्यटन श्रृंगार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जा रही है तथा पर्यटन विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए पर्यटन विभाग की टीम के साथ उपायुक्त कार्यालय में विधायक सदर बिलासपुर सुभाष ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें गोविंद सागर और कोल डैम झील में पर्यटन विकसित करने के लिए गहन चर्चा की गई। इसके अलावा बंदला में पैराग्लाइडिंग साइट विकसित करने के लिए पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक व पर्यटन अधिकारियों के साथ साइट विजिट किया तथा बंदला धार पर पैराग्लाइडिंग की संभावना के बारे में भी चर्चा की गई, ताकि यहां पर पैराग्लाइडिंग भी नेशनल लेवल की करवाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे दिन दूर नहीं जब झील में अच्छी क्वालिटी यानी आधुनिक सुविधाओं से लैस मोटर बोटें और शिकारे चलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं वाटर स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया जाएगा। मीटिंग में गोविंद सागर झील में पर्यटन विकसित करने को लेकर चर्चा की गई तथा जिला के अन्य संस्थानों में टूरिज्म विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि कश्मीर की डल की तर्ज पर यहां झील में अच्छी गुणवत्ता वाली मोटर बोटें व शिकार चलाए जाएंगे, ताकि कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटक बिलासपुर में भी रुक सकें। बैठक के बाद पर्यटन विभाग के अफसरों की टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गोविंद सागर में पर्यटन संभावनाओं की भी तलाश करेगी। झील किनारे पर्यटकों के बैठने और अन्य सुविधाओं को लेकर भी योजना बनेगी। झील में पर्यटन विकास को लेकर एक बड़ी प्लानिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार झील में पर्यटन विकास को लेकर योजनाएं बनती रही है, लेकिन आज दिन तक एक भी योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। बिलासपुर में पर्यटन लिहाज से कोई खास न होने की वजह से पर्यटक कुल्लू मनाली का रुख करते हैं। पर्यटकों को बिलासपुर में रोकने के मद्देनजर कार्य योजना तैयार की जाएगी।